नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ दो दिवसीय राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम, उच्च शिक्षा में नियामक तंत्र पर हुई चर्चा। 68 दिनों से चल रही वकीलों की हड़ताल हुई खत्म, प्रमुख 5 मांगों पर बनी सहमति। और राजधानी में चल रहे इंडिया फॉर एनिमल कॉन्फ्रेंस में पहुंची केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, जानवरों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर जताई चिंता। और अब खबरें विस्तार से। उच्च शिक्षा में एक नियामक बोर्ड बने और उसमें शिक्षाविदों को शामिल किया जाए, ये तय हुआ है। दो दिवसीय राष्ट्रीय संवाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 2 दिनों में उच्च शिक्षा में नियामक तंत्र पर चर्चा हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर कई शिक्षाविद एक राय नजर आए, जिसमें नियामक बोर्ड का गठन भी मांग ज्यादा रही। इस संवाद का एक दस्तावेज राज्य और केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा। उच्च शिक्षा में नियामक तंत्र की मांग तेज हो गई है। जयपुर में 2 दिन तक मंथन चला, जिसमें शिक्षा के सुधार पर चर्चा की गई। 10 यूनिवर्सिटी के कुलपति और 700 प्रतिनिधियों के विचार इस दौरान रखे गए, जिसमें उच्च शिक्षा में सुधार के लिए स्वायत्त शिक्षा आयोग की मांग रखी गई है। साथ ही इस आयोग में शिक्षाविदों को जगह देने की बात कही गई है। यहां तक कि शिक्षकों ने साफ कह दिया है कि वो अधिकारियों के नीचे काम करने को तैयार नहीं है। शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष विमल अग्रवाल ने अधिकारियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए ही गए थे, बाकी उनको शिक्षकों से ज्यादा उनको ज्ञान नहीं है। संभागियों ने हिस्सा लिया, उन्होंने मंथन किया और मंथन के बाद ही विचार किया कि पूरे देश के अंतर्गत शिक्षा की सूरत को बदलने के लिए, शिक्षा के ढांचे को बदलने के लिए जरूरत है कि उच्च शिक्षा में एक नियामक तंत्र की स्थापना की जाए। और वो नियामक तंत्र ऐसा होना चाहिए जिसे वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हो, संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त हो, ताकि उसके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं उनको पूरी तरीके से लागू किया जाए। शिक्षा की स्वायत्तता में सोचा गया कि शिक्षक जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो सरकारी आधार पर नहीं लिए जाने चाहिए, शिक्षकों के द्वारा ही सभी प्रकार के जो निर्णय वो लिए जाने चाहिए। फाइनेंसिस के बारे में सोचा गया कि जो वित्तीय व्यवस्था है हमारी, उसमें सुधार लाने की जरूरत है, उसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए, समाज की भागीदारी होनी चाहिए, उद्योगों की भागीदारी होनी चाहिए, ताकि हम इस प्रकार के जो वित्त की समस्या रहती है विश्वविद्यालयों के अंतर्गत उसको समाप्त करने का प्रयत्न किया जा सके। फॉरेन कोलाबोरेशन के बारे में सोचा गया कि पहले हमें अपने देश के अंतर्गत जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाने की जरूरत है, और अगर हमारी शर्तों पर विदेश के कोई विश्वविद्यालय और विदेश की कोई संस्थाएं हमारे देश में आना चाहती हैं तो उनका भी स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने टैलेंट को ज़्यादा सुधार करने की चेष्टा कर सकें। और हर कोर्स और पाठ्यक्रम के साथ स्किल को आवश्यक तौर पर कौशल को जोड़ा जाना चाहिए, ताकि जितने भी काम करने वाले हमारे विद्यार्थी निकलते हैं वो किसी प्रकार से अपनी आवश्यकता के अनुसार धन की प्राप्ति करने का प्रयत्न कर सके। संवाद के समापन कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री ने नियामक बोर्ड के गठन की बात कही और कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र था और वो जल्द ही राज्य में नियामक बोर्ड का गठन करेगी। साथ ही उच्च शिक्षा में सुधार के लिए यूनिवर्सिटी के भार को कम करने, ज्यादा छात्रों वाले महाविद्यालय में 2 से 3 महाविद्यालयों में बांटने की बात कही। साथ ही कहा कि किसी को मनमानी नहीं करने दी जाएगी, सरकार का अंकुश रहेगा। पिछले 68 दिनों से जारी वकीलों की हड़ताल आखिरकार स्थगित हो गई है। शिकायत निवारण कमेटी के साथ बैठक के बाद वकीलों की संघर्ष समिति ने इसकी घोषणा कर दी। इस अहम वार्ता में हाईकोर्ट प्रशासन ने वकीलों की प्रमुख 5 मांगे मानने पर सहमति जता दी है। राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़े तमाम हड़ताली वकीलों ने रविवार को न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अपना आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया। वकीलों की हड़ताल स्थगित होने की औपचारिक घोषणा जैसे उन तमाम प्रभावित मुवक्किलों के लिए भी राहत लेकर आई जो पिछले 60 दिनों से भी ज्यादा दिनों से परेशान हो रहे थे। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक के गांधीनगर स्थित सरकारी बंगले में हुई अहम वार्ता में आंदोलनरत वकीलों के प्रतिनिधियों और 2 न्यायाधीशों के बीच विभिन्न मसलों पर समझौता हुआ। इसके तहत हाईकोर्ट प्रशासन ने वकीलों की मुख्य मांग, जिसमें जयपुर जिला मजिस्ट्रेट दीपक माहेश्वरी और एडीजे महेंद्र चौधरी के ट्रांसफर पर सहमति बनी। इसके अलावा अधीनस्थ अदालतों में कर्मचारियों की भर्ती, ओटीएस में न्यायिक अफसरों की ओर से वकीलों के खिलाफ मीटिंग करने और सेशन कोर्ट के कर्मचारियों द्वारा काम के दौरान प्रदर्शन की घटना पर कार्रवाई करने पर भी सहमति बनी है। शिकायत निवारण कमेटी की इस वार्ता बैठक में पहले तो महाधिवक्ता NM लोढ़ा,
न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश मनीष भंडारी के बीच वार्ता का दौर चला। इसके बाद शिकायत निवारण कमेटी ने एक्टिंग सीजे सुनील अंबानी से भी चर्चा की। इसके बाद कमेटी ने वकीलों की संघ समिति के साथ आखिरी दौर की वार्ता की। इसी बातचीत के बाद हड़ताल स्थगित करने का हल सामने आया। बैठक के बाद महाधिवक्ता एनएम लोढ़ा और संघ समिति के सदस्यों ने बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने वकीलों की 5 मांगे मानने पर सहमति दे दी है। जानवरों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के अभियान में जब तक युवाओं की साझेदारी नहीं बढ़ेगी तब तक इसका असर सोचना गौरवाजिब होगा। ये कहना है केंद्रीय मंत्री और जानी मानी एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी का। मेनका गांधी राजधानी में एक समारोह में बतौर मुख्य वक्ता बोल रही थी। इस दौरान उन्होंने जानवरों के लिए चलाए जा रहे अभियान में शामिल हुई संस्थाओं को इसमें गति लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का भी आह्वान किया। राजधानी के होटल क्लार्क सामिर में आयोजित की जा रही 3 दिवसीय इंडिया फॉर एनिमल कॉन्फ्रेंस 2014 के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री और जानी मानी एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी का संबोधन सभी के दिलों को छू गया। दरअसल मेनका इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से पहुंचे एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप्स को मोटिवेट करने के मकसद से यहां पहुंची थी। करीब 1 घंटे तक चले मेनका के मोटिवेशनल उद्बोधन में उन्होंने जानवरों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विभिन्न पहलुओं पर अपने अनुभव साझा किए। साथ ही इस अभियान के भविष्य को लेकर उन्होंने चिंता भी जताई। अपनी बेबाक राय रखते हुए मेनका गांधी ने कहा कि जानवरों पर अत्याचार के खिलाफ जारी मुहिम में काम करे ज्यादातर एक्टिविस्ट 50 साल की उम्र का पड़ाव पार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन उम्रदार लोगों के बाद आखिर इस मुहिम को आगे कौन बढ़ाएगा। लिहाजा मेनका गांधी ने कॉन्फ्रेंस में मौजूद एनिमल एक्टिविस्टों से ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुहिम में जोड़ने का आह्वान किया। मेनका गांधी ने उत्तराखंड में जानवरों की बलि चढ़ाने की प्रथा, फरीदाबाद में लंगूर पालने के चलन के साथ ही बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट के देशों से जानवरों के मांस की तस्करी जैसे कई गंभीर उदाहरण दिए। मेनका ने स्कूल कॉलेजों की लैबोरेटरीज में जानवरों के डाइसेक्शन पर लगे प्रतिबंध को इस मुहिम का नतीजा बताकर एनिमल एक्टिविस्टों को मोटिवेट करने की कोशिश की। उन्होंने जानवरों की जीने की सामान्य उम्र महज 6 साल होने को शर्मनाक बताया। केंद्रीय मंत्री ने जानवरों के लिए जारी इंसानी मुहिम का दायरा सिर्फ गिने चुने जानवरों तक ही सीमित नहीं रहने देने की भी अपील की। और वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद के तत्वाधान में 11वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर करीब 300 प्रतिभावान छात्रों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
पिछड़े समाज के प्रतिभावान छात्रों को उनकी सफलता और भविष्य के लिए उनकी हौसला अफजाई करने के मकसद से डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद की ओर से सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान सभागार में आयोजित इस 11वें सम्मान समारोह में परिषद के संरक्षक और CIDCB के पुलिस अधीक्षक अनिल गोठवाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेजों के छात्र अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित रहे। समारोह में 10वीं और 12वीं कक्षा के अलावा MA, BA, BEd, मेडिकल इंजीनियरिंग सहित अन्य क्षेत्रों में प्रतिभावान छात्रों का सम्मान किया गया। इन छात्रों को परिषद की ओर से स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र के सम्मानित किया गया। करीब 300 छात्रों को इस मौके पर सम्मानित किया गया। समारोह में मन लुभावन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। पूर्व सांसद महेश जोशी का रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाया। पूर्व सांसद महेश जोशी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अल सुबह ही आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन किए और फिर वहां से गणेश जी मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर सहित सभी मंदिरों में ढोक लगाई। वहीं सुबह से ही उनके निवास पर भी भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचकर उनको बधाई देने लगे और बुके भेंट कर उनके दीर्घ आयु की कामना की। इस मौके पर जोशी ने घर पर केक काटकर जन्मदिन मनाया और कार्यकर्ताओं ने भी माला पहनाकर उनको जन्मदिन की बधाई दी। मैं हमेशा जब भी मेरी सालगिरह हो या मेरे जीवन में कोई विशेष दिन हो, चुनाव हो, काउंटिंग हो, मतगणना हो, कोई नॉमिनेशन भरना हो, कोई भी ऐसा मेरा विशेष कार्य होता तो मैं सुबह गोविंद देव जी के मंगला की झांकी से आरंभ करता हूँ। गोविंद देव जी के दर्शन करता हूँ, काले हनुमान जी के दर्शन करता हूँ चांदी की टकसाल में। उसके बाद में मैं तारकेश्वर जी के दर्शन करता हूँ, फिर साईं बाबा का चौड़ावस्था मंदिर वहाँ दर्शन करता हूँ, तो मोती डूंगरी जाता हूँ और मोती डूंगरी मंदिर गणेश जी के मंदिर के पास में दरगाह है, वहाँ दरगाह में जाके मैं ज़ियारत करता हूँ। तो मेरा एक पूरा सिस्टम है। मैं समझता हूँ कि ये जयपुर की एक परंपरा भी है। जयपुर वाले पूरी तरीके से धार्मिक होते हैं और सारे धर्मों के प्रति सद्भाव और सम्मान रखते हैं और वो मैं भी रखता हूँ। देखिए, हमारी स्थिति बेहतर रहेगी निश्चित रूप से। जो हमारे विधानसभा के चुनाव थे या लोकसभा का चुनाव थे, हमारे ज्यादातर लोग कंटेस्ट में नहीं थे क्योंकि वोट पड़ चुके हैं। और कुछ कहना, जीत का दावा करना, ये सब किसी के लिए भी संभव तो है लेकिन किसी को करना नहीं चाहिए। परिणाम 16 तारीख को आ जाएगा। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के निःशक्त जन प्रकोष्ठ की ओर से सेरेब्रल पॉलिसी और बाल अस्थि रोग पर एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जन्मजात बच्चों को देखने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर JK जैन को बुलाया गया। 2 दिवसीय इस सेमिनार का समापन आज हुआ जिसमें 500 बच्चों से ज्यादा को शिविर का लाभ मिला। प्रदेश सह संयोजक राजेश वर्मा ने बताया कि शिविर का लाभ सैकड़ों बच्चों को मिला है। वहीं अब इस तरह के शिविर प्रदेश में जिला स्तर पर करने की योजना बनाई जा रही है। आज कैंप का दूसरा दिन है। ये सर्वल पासी बच्चों के लिए कैंप लगाया गया था जयपुर में। हम लोग इलाहाबाद से संवेदना ट्रस्ट की तरफ से आए हैं। ये कैंप भारतीय जनता पार्टी निश्चित सेवा प्रकोष्ठ और संवेदना ट्रस्ट इलाहाबाद के सौजन्य से लगाया हुआ। कल हम लोगों ने 200 से ज्यादा बच्चों का एग्जामिन किया। अधिकतर बच्चे सर्वल पालसी के थे। जो बच्चे चलने फिरने में असमर्थ थे, चलने फिरने की पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रहा था, उनके साथ बहुत सारी अन्य समस्याएं उनके साथ थी जिनमें बोलने, सुनने, देखने, समझने और कुछ बच्चों में झटके भी आ रहे थे। उन बच्चों को देख करके उन बच्चों के माँ बाप को पूरी तरीके से बीमारी के बारे में बताई गई। एक छोटा सा मैंने अभिभाषण भी दिया, उसमें बीमारी के बारे में बताया गया और उन बच्चों में इलाज के क्या क्या तौर तरीके नए आ गए हैं जैसे उनसे बच्चों में चल सकते हैं। क्योंकि इलाहाबाद संवेदना ट्रस्ट के सौजन्य से पिछले 10 सालों में हम लोगों ने 115 से ज्यादा कैंप किए हैं और लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगे हैं। इन बीमारियों के इलाज में जो नए नए तौर तरीके हैं, कसरत होती है, कसरत सामान्य कसरत ऐसे बच्चों में लाभ नहीं देता है। इन बच्चों के लिए न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन, टोन रिड्यूसिंग प्रोसेसर और बहुत सारी ऐसी तकनीकी थेरेपेटिक टेक्निक्स होती है जिनका इस्तेमाल सही ढंग से करें तो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। हमारे साथ आए हुए हमारे थेरेपिस्टों ने पेरेंट्स को उनकी एक्सरसाइज की विधा के बारे में बताया, ट्रेनिंग दिया। उसके अलावा बहुत सारी सर्जिकल तकनीकें जिन बच्चों में कामयाब होती, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए जिनमें पहले सर्जरी हो चुकी थी, वो अभी भी अपने पैरों पर खड़े होकर चल नहीं पा रहे हैं। उनमें नई तकनीकें जिनको सेमिलास के नाम से जानते हैं, एक जापान की सर्जिकल तकनीकी OSCS पे आधारित है। उनमें छोटी छोटी मांसपेशियों को, जो लंबी लंबी मांसपेशियां हैं उनको छोटी छोटी मांसपेशियां छोड़ देते हैं, एक ऐसा ऑपरेशन होता है
छोटे छोटे स्कार्स आते हैं, कॉस्मेटिक स्कार्स होता है और कुछ ही दिनों के कसरत के बाद अपने पैरों पे खड़े चलने लगते हैं। अब जयपुर के राजस्थान के बहुत सारे ऐसे बच्चे की जो की पहले इलाज का लाभ ले चुके हैं, उसमें कुछ बच्चे हमारे पास आए, उन्हें दिखाया और उनको देख करके लोग चकित भी हुए हैं कि वो बच्चे अपने सामान तौर तरीके पे काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं। बेटी आयशा अंसारी, ये सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त है और ये बचपन से ही ना चल सकती थी ना बोल सकती थी और डॉक्टर ने बोला कि ना ये पढ़ सकती है, लेकिन आज मेरी बेटी 7th क्लास में पढ़ती है। मैं सर के इलाहाबाद में सर के यहाँ समझ में ट्रस्ट में मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ पैरों के दोनों पैरों का और हम वहाँ 4 महीने रुके। अब हमारी बेटी में काफी बैलेंस आ गया पहले से, इसके जो पैर के अंगूठे वो अंदर की तरफ मुड़े हुए थे वो एकदम बिल्कुल सीधे हो चुके हैं और ये अपना काम अब खुद स्वयं कर सकती है। पहले ये सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती थी, अब ये अपनी सीढ़ियाँ खुद उतरने लगी है, बिना हाथ पकड़ हम इसका हाथ नहीं पकड़ते हैं और अपना बैग खुद पकड़ लेती है। अब कोटा राजस्थान से हूँ, मतलब यहीं से ही कोटा से, मैं टीचर हूँ एक। कृष्ण माँ कहता है जैसे आपके बच्चे की प्रॉब्लम होती है, जितना आपके बच्चे कट लगते हैं उसके हिसाब से वहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है अपन को। बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर जैन अंकल ने मेरे को अपना इतना सक्षम बना दिया है कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। मैं पहले सीढ़ियाँ अपने आप नहीं उतर सकती थी, अब अपने आप उतर सकती हूँ, अपना बैग स्कूल में अपने आप ले जा सकती हूँ। जन सेवा प्रकोष्ठ के द्वारा व संवेदना संस्थान इलाहाबाद के द्वारा ये अपना जन्मजात सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी होती है बच्चों में, उसके निदान के लिए और उनको किस तरीके से देखभाल की जाए और कैसे इस बीमारी से बचा जाए अवेयरनेस कैंप लगाया गया है। ये आज 2 दिन से ये चल रहा है, कल हमारा 240 बच्चों ने इसका लाभ उठाया है, आज भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और लोग यहाँ से प्रसन्न होकर स्वास्थ्य लाभ लेके जा रहे हैं। इसमें हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और पूर्व निसर्जन आयुक्त किलीमल जी विजयन साहब, मेरे मित्र राजेश जी, सभी लोगों ने सहयोग किया है। ऑपरेशन की अगर एडवाइज होगी तो वो हम लोग दे रहे हैं, बाकी एक्सरसाइज और फिजिकल थेरेपी के द्वारा और ट्रीटमेंट मेडिकल जैसे दवाइयां है क्या है उनको देना है उस बारे में अवगत कराया जा रहा है। यहाँ सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के निदान के लिए शिविर का आयोजन किया हुआ है, कल हमारे पास में 210 बच्चे रजिस्टर्ड हुए और लगभग सभी को हमने देखा है। डॉक्टर जेके जैन संवेदना इलाहाबाद से यहाँ आए, सेरेब्रल पाल्सी के मामले में एलोपैथिक सेक्टर में सामान्यतः ये कहा जाता है कोई इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी है, ये जन्मजात मानसिक विकलांगता है। इसमें जन्म से पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के तत्काल पश्चात दाइयों या जो प्रसाविका है उनकी कमी और गलती के कारण कुछ न कुछ ये मानसिक रूप से विकृति उत्पन्न होती है, तो सिर बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है या कि बच्चा सुध बुध खो बैठता है, ठीक से बैठ नहीं पाता है, उसको जैसे 1 महीने में इशारे से जैसे उसको सीटी बजाए चुटकी बजाए तो देखना चाहिए, ऐसे संबोधन नहीं दे, रेस्पॉन्ड नहीं दे पाता है, 2-3 हंस नहीं पाता है तो बोल नहीं पाता 3 महीने में, ऐसे उसका पूरा एक कोर्स होता है बाल विकास का। तो उस बीमारी से ग्रसित बच्चों के लिए डॉक्टर जेके जैन हैं, पीजीआई चंडीगढ़ से सीनियर स्पेशलिस्ट हैं, उनको हमने आमंत्रित किया उन बच्चों का। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ 2 दिवसीय राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम, उच्च शिक्षा में नियामक तंत्र पर हुई चर्चा। 68 दिनों से चल रही वकीलों की हड़ताल हुई खत्म, प्रमुख 5 मांगों पर बनी सहमति। और राजधानी में चल रहे इंडिया फॉर एनिमल कॉन्फ्रेंस में पहुंची केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, जानवरों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर जताई चिंता। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all.
share it with City Online. Best Greek will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।